उज्जैन शहर के अंदर निवास करने वाले लोगों के घरों पर इन दिनों में बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं नए मीटर लगाने के लिए, लेकिन आम उपभोक्ताओं के घरों तक वहीं इन नए मीटरों का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी कर रहे हैं और साथ ही में कांग्रेस के नेता घर घर मोहल्ले मोहल्ले पहुंचकर जनता को इन मीटरों के दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं। वार्ड मोहल्ले और शहर में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता बता रहे हैं इसके नुकसान और कह रहे हैं कि यह आम नागरिकों के लिए नुकसानदायक है। बढ़े हुए बिजली के बिल आएंगे, साथ ही कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर जाएंगे आम नागरिक और गरीब परिवार जनों के लिए। इसलिए इस नए मीटर न लगाए जाने की कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मांग कर रहे हैं और बता रहे हैं शहरवासियों को इन मीटर से होने वाले नुकसान के बारे में। यह जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, किस प्रकार से शहरवासियों के लिए यह जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है इनका नुकसान होगा क्या है? केवल जो उनका भी जेब में डाका डालने का काम ये कंपनी कर रही है, प्राइवेट कंपनी। और जिस प्रकार से पहले मीटर जो लगे हुए पहले भी कुछ दिन पहले बदले वो चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। और साथ ही एक ऐसा षडयंत्र के जो कमलनाथ जी ने 200 रुपये का जो किया था उस योजना को भी धूमिल कर रहे हैं। साथ ही ये जो मीटर इतना महंगा चलेगा कि बहुत फास्ट चलेगा, उससे इसकी चीप रहेगी। और जैसे ही रिचार्ज खत्म हो, जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा ना, वैसे कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो बेचारे जो है उसको जो मैसेज हो जाएगा उसको समझते ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा बोल नहीं चलाते हैं, गरीब बस्तियों में जितनी परेशानी है कि वो लोग कैसे इसका करीब खराबी अगर हो गई तो इसके 24,000 के करीब उसका खर्च आता है। इतना महंगा मीटर मतलब गरीब लोग तो बदला ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी जो है गरीबों के साथ विद्युत मंडल के लोग मीटर बदल के डाका डालने का काम कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और हम जन जागरण अभियान के माध्यम से पर्चे बांट करके लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में जो मीटर लगे हुए हैं उनको बदल नहीं दें और जो आए उनका विरोध करें, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, किसी प्रकार कोई शासकीय कार्य में बाधा वाला वाली की कोई बात नहीं है, पूरी ताकत से उनका विरोध करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।